चढ़दीकला टाइम टीवी देख रहे देश विदेश के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखिंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं खास खबरां उत्ते। संत रामपाल की गिरफ्तारी नूं लैके पुलिस अते रामपाल समर्थकां विच होई झड़प। मीडिया कर्मी भी होए लाठीचार्ज का शिकार। रामपाल नूं फड़न तक ऑपरेशन रहेगा जारी। साल 2002 विच गुजरात च वापरे गोधरा दंगिआं ते नानावती कमीशन वल्लों 12 साल बाद पेश कीती गई रिपोर्ट। रिपोर्ट विच दंगिआं पिछे किसदी सी साजिश ते होवेगा खुलासा। भारत में इबोला वायरस का पहला मरीज आया सामने। दिल्ली के एयरपोर्ट से स्क्रीनिंग दौरान आया सामने। डॉक्टर की निगरानी रखा मरीज ने। अपने 10 दिन विदेश दौरे दौरान बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आस्ट्रेलिया की संसद में किया संबोधन। अतवाद के मुद्दे पर की चर्चा। दुवली गलबात मगरों 5 समझौतों पर दस्तखत। जी बुलेटिन का आगाज करते हैं। बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में कल संत रामपाल को गिरफ्तार करने की कोशिश से हरियाणा पुलिस और संत रामपाल के समर्थकों विचाले जबरदस्त झड़प देखने को मिली। दसिया जा रहा है कि पुलिस उपर संत समर्थकों ने पत्थरबाजी के नाल नाल गोलीबारी भी की। उधर पुलिस ने भी समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने मीडिया तक भी नहीं बख्शिया। कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से लाठीचार्ज करके घटना स्थान तो दूर खदेड़ दिया गया और उन्होंने कैमरे तक भी तोड़ दिए गए। दरअसल पुलिस रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए कल सवेरे जिमें ही आश्रम के वल वधी तो आश्रम के बाहर सुरक्षा घेरा बना के बैठे समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। आश्रम में मौजूद संत समर्थकों ने पुलिस को रोकने लिए छत तो गोलीबारी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाब में अथरू गैस के गोले सुटे और लाठीचार्ज शुरू किया। इस ही आश्रम के गेट अगे मौजूद भीड़ तितर बितर करने पानी दुछाड़ा भी मारिया गई। सतलोक आश्रम के आस पास हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए सन। हिसार में वधदे तनाव को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमरजेंसी बैठक सदी है। केंद्र सरकार ने भी इस घटना से हरियाणा सरकार तो रिपोर्ट मंगी है। इस विचाले संत रामपाल की जमानत रद्द करने ते अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। खट्टर सरकार चाहती है कि रामपाल की जमानत रद्द की जाए। संत रामपाल को गिरफ्तार करने के लिए स्थिति आज भी खासी तनावपूर्ण बनी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि रामपाल को फड़न तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। यह तस्वीर कल दिया ने जिते हिसार में सतलोक आश्रम के बाहर पुलिस और रामपाल समर्थकों के विचाले जबरदस्त झड़प हुई। इस दौरान कुछ लोग जख्मी भी हुए ने। मीडिया कर्मियों पर भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। संत रामपाल को गिरफ्तार करने तक ऑपरेशन जारी रखने की गल आखी गई है। जी हुण गल करदे आं अगली खबर की। गुजरात दंगे के 12 साल बाद जस्टिस शाह नानावती कमीशन ने बीते दिन अपनी रिपोर्ट गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को सौंप दी है। इस तो पहला नानावती कमीशन ने रिपोर्ट पेश करन ते 24 बार समा वधाया सी। इस बार रिपोर्ट सौंपन की अंतिम तारीख 31 अक्तूबर सी। जी टी नानावती कमीशन ने साल 2002 गुजरात दंगों उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके नरेंद्र मोदी की जाँच की है। जस्टिस नानावती मुताबक उन्होंने 2000 पन्नों की फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री आनंदीबेन को सौंप दी है। इस गुजरात के 2002 हुए दंगों से बने कमीशन की फाइनल रिपोर्ट है। दंगों में 1000 तो भी वध लोगों की हत्या की गई थी जिस विच ज़्यादातर घट गिनती के लोगों की हत्या हुई सी। हालांकि कमीशन को फाइनल रिपोर्ट देने 12 साल लगे ने। इस तो पहला साल 2008 जांच पैनल ने गोधरा स्टेशन से ट्रेन नू लगी अग ते अपनी रिपोर्ट पेश की सी जिस विच कहा गया सी कि साबरमती एक्सप्रैस के S6 कोच विच गोधरा रेलवे स्टेशन से एक साजिश के तहत अग लगाई गई सी। ये जांच कमीशन रिटायर जस्टिस जी टी नानावती अक्षय मेहता की अधीन काम कर रहा सी। तुहानू दस दईए कि 27 जनवरी 2002 गुजरात के गोधरा स्टेशन से साबरमती ट्रेन के S6 कोच में अग लग गई सी जिस तों बाद पूरे गुजरात में संप्रदायक हिंसा की वारदात ने तूल फड़ ली सी जिस विच हज़ारां लोग मारे गए सी। ते नानावती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दिती है। साल 2002 गुजरात में हुए दंगों पर एक कमीशन की फाइनल रिपोर्ट है।